एक बात स्पष्ट जान लेना चाहिए, ये लालू जी का संघर्ष था और हम लोगों के प्रयास से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में सर्वदलीय सहमत, सभी दल सहमत होकर के प्रस्ताव हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास भेजा। उसमें बीजेपी भी थी, हम लोग भी थे। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक हो गए? नहीं, ये नेशनल इंटरेस्ट में था, बिहार के हित में था, देश के हित में था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसके कई लाभ जो हैं, गरीब बेसहारा जो अंतिम पायदान पे हैं, जिनको मुख्य धारा में लाना है, उनको मदद हो लाने। और जब प्रधानमंत्री जी के पास जाने का हमने ऑफर दिया, क्यों दिया? क्योंकि पार्लियामेंट में सवाल आया था तो उसमें केंद्र सरकार ने मना किया। तब हम ही ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के पास चलूँ, तो इसका क्या मतलब है कि हम बीजेपी से मिले? तो ये समझने वाली की बात है। हम सहमति से जब पास हुआ, आज जो है किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उस समय हम लोगों ने कहा था कि भाई अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी, चाहते तो पूरे देश में थे कि हो, लेकिन नहीं हो पाया, तो आप बिहार में तो कम से कम कराएंगे। आप तो इससे पक्षधर थे, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। और जब बिहार विधानसभा में पास हो गया दो बारी, तो क्या मतलब रहेगा सर्वदलीय बैठक करके नौटंकी करने का? यानी आपकी मंशा जो है करनी कुछ कथनी कुछ, ये साफ दिखा रहा है। आप बैठक किस बात का बुलाइएगा भाई? या तो बैठक बुलाना था तो बुला देते, फिर देखते कौन आता कौन नहीं आता, पता चल जाता। आपने वो भी नहीं किया। और बैठक का तो सवाल होता ही नहीं जब विधानसभा से पास हो गया। बिहार विधानसभा के बाद पास हो जाने के बाद बैठक का क्या मतलब? यानी सहमति है? यानी आप दूसरी तरफ आप ही कह रहे कि माहौल बना रहे की सहमति नहीं हो रही? यानी आप ही बिहार विधानसभा के कॉन्सेंस को, आप उसकी बातों को जो है आप इग्नोर कर रहे हैं? आप ही बिहार विधानसभा के प्रस्ताव को नहीं मान रहे, तभी आप कह रहे हैं कि बैठक बुलाइएगा? ये जो माहौल शांतिपूर्ण था, ये विरोध का माहौल तो मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। और ये तो तीसरी नंबर की पार्टी भाई, तो जाहिर सी बात है ना, बिहार के मुख्यमंत्री सबसे डरपोक, सबसे कमज़ोर कलेजा नहीं है ना, क्योंकि कुर्सी पर बैठना है। इनको नेशनल इंटरेस्ट से क्या लेना देना, बिहार के इंटरेस्ट से क्या लेना देना, जनता के भलाई या तरक्की से क्या लेना देना, इनको समाजवाद से क्या लेना देना, इनको बस प्यारी है अपनी कुर्सी। तो जगदा बाबूजी ने मात्र इतना ही कहा था कि भाई इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को फैसला लेना चाहिए, फैसला ले। और हम लोग का क्या, सब दल का इसमें सहमति था पहले, और फैसला लेंगे तो पता चल जाएगा कौन है नहीं है। लेकिन इसमें समझौते की बात नहीं है, ये बात समझना है। अगर कोई कहे कि हम नज़दीक आ गए, तो पुरानी गलती लोग एक बार गलती करके अगर नहीं सुधरे, तब तो उसका क्या हल होगा? और हम जनता के प्रति अपना शक्ल दिखा पाएंगे क्या? हम लोग तो अंतरात्मा को बेचने वाले लोग नहीं, विचारधारा से समझौता करने वाले लोग नहीं, नीति सिद्धांत वाले लोग। नीतीश कुमार जी जैसा नहीं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, और ना ही जातीय जनगणना कराऊंगा, खाली कहूंगा, यही काम है नीतीश जी का। तो उनके कथनी करने में अंतर है। हम लोग बिहार की जनता का मूड है, और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि बिहार की जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, जो हम लोगों ने वादा किया है, वो हम लोग निभाने का काम। हम लोगों को कुर्सी प्यारी नहीं, लालच नहीं है। जनता जब चाहेगी तब हम लोगों को सरकार में लाएगी, और जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन ये चोर दरवाजे वाले जो मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर वाली पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन तक गड़बड़ घोटाला करते रहेंगे, कितने दिन तक लोगों को झूठ बोलते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कहा, ये साफ क्लियर स्टैंड है, इसमें इफ एंड बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो बात आप बोल रहे हैं विपक्ष में रह के, आजकल उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या जो उनके पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी बीजेपी पे ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे। ललन सिंह मांग कर रहे हैं कि जो बकाया राशि है बिहार का, आप एक बात समझा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले
किससे मांग रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति से मांग रहे हैं, इन्हीं की ना सरकार है केंद्र में भी बिहार में, किससे मांग रहे हैं भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? स्पेशल पैकेज बिहार को कितना करोड़ देंगे, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, कहाँ गया भाई? 80,000-90,000 ही वो आरा में बोली लगा था, उस समय तो ये लोग साथ में थे, डबल इंजन की सरकार है। आपको स्कीम का भी पैसा नहीं मिल रहा, तो आप उंगली किस पे उठा रहे हैं? यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर द अलायंस पार्टनर, यू आर द बिगेस्ट अलायंस पार्टनर इन नॉर्थ इंडिया ऑफ बीजेपी, तब आप ऐसी बक्चकानी बातें कर रहे, किसको उल्लू बनाते हैं? देखिए देश की जनता और खास तौर पे जदयू के नेता और जितने अंधविश्वासी लोग हैं जो टीटीएम करते रहते हैं, जो केवल उनका सुबह से रात तक सोने तक उठने तक यही काम रहता है कि बिहार की जनता को उल्लू कैसे बनाएंगे, ये वो सारे नेता एक बात समझ लें कि बिहार की जनता उल्लू बनेगी नहीं, आपको आईना दिखाने का काम करेगी, सबक सिखाएगी। और यही बिहार की जनता आपको देखती रही 15 साल तक, आप मुख्यमंत्री रहे और बिहार सबसे नीचे पायदान पे रहा, वो आप ही के सरकार का रिपोर्ट है नीति आयोग का, और आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, ये जनता देख रही है। आज तीसरी नंबर की पार्टी है, कल कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर एक तरह से बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जान के चूक पे कोई कार्रवाई करेगा? एसपीजी के डायरेक्टर पे कोई कार्रवाई हुई? और हमको तो जहाँ तक हमको जो इन्फॉर्मेशन है, हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बिना हमला हुए बच के निकल के आ गए, ये बहुत बड़ी बात है।